हाई एवरी वन, सो माई नेम इज़ आयशा जहांगीर और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो नाउ लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल, सिंपल, नेचुरल लग रहा है। एंड फॉर दोज पीपल जिन्हें ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है और उनकी मेकअप बिल्कुल ईजी और क्विक हो जाए और बिल्कुल नेचुरल दिखे, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विक स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं यहाँ ऑले सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्ट कर लोगे। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे वो ड्राई नहीं रहेगी और केकी नहीं रहेगी। बहुत लोग का होता है फेस वॉश किए उसके बाद मेकअप अप्लाई कर लेते, वो उनके मेकअप बहुत ड्राई होने लगता है, तो इसलिए अच्छे से आप पूरे अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड इट अमेजिंग फॉर ऑल स्किन टाइप, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना। और सनस्क्रीन लगाने में कंजूसी नहीं करें, अच्छे से अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ आई एम यूजिंग फिट मी ड्यूई स्मूथ प्राइमर, जो कि हमारे फेस के पोर्स को फिल कर देता है और फेस हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्मूथ होने लगता है एंड टू मेक योर मेकअप लुक लॉन्ग लास्टिंग। तो इसे अच्छे से आप, देन आई एम गोना यूज़ गुडनेस ऑफ फ्लॉलेस SPF 30+ BB क्रीम। आई एम नॉट यूजिंग फाउंडेशन और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचुरल लुक देता है। देन यूजिंग फिट मी कंसीलर अंडर माई आईज़ और चिन और जहाँ जहाँ मुझे एक्नी स्पॉट है वहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ और इसकी कवरेज बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा मेरे फेस पर। तो आपको जहाँ जहाँ पर भी एक्नी या फिर कुछ भी डार्क स्पॉट है तो वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लें और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लें। इसकी कवरेज लुक इतनी डिफरेंस आ जाती है ना, क्या बताऊँ, आप देखना। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथली ब्लेंड भी हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे लवबर्ड लिप चेक टिंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़े ज़्यादा अप्लाई करूँगी और यहाँ पे मैं पाउडर यूज़ नहीं करने वाली। और फिर नेक्स्ट जब ये मेरा फेस पूरा सेट हो जाएगा तो ये काफ़ी कम दिखेगा। फिर उसके बाद मैं ये फ्लैट ब्रश लूँगी और फिर एक न्यूट कलर, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। मैं अपने क्रीज और आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और बिल्कुल न्यूट रखना है, बिल्कुल ओवर नहीं करना है। सो एज यू कैन सी मेरी आई शेडो बिल्कुल रेडी है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कलर्स को कर्ल कर रही हूँ बिफोर अप्लाइंग मस्कारा। सो अच्छे से इसे मैं कर्ल कर लूँगी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्लॉसल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसकी थिकनेस इतनी अच्छी है, अगर आप दो बार कोट कर लोगी तो आपको फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी बोल्ड मैट लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। देन आई एम यूजिंग लैक्मी एब्सोल्यूट लिप मॉस न्यूट लिपस्टिक और फिर मैं अपने लिप्स को कंप्लीट करूँगी। के बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप इंडियन वेयर पहनो और काजल ना लगाओ तो बड़ा आईज सूना सा लगता है, तो अच्छे से आप काजल अप्लाई कर लो। फिर यहाँ पे मैं अपने लुक को कंप्लीट करूँगी, काजल से मैं बिंदी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिंदी नहीं थी। और फिर आप इंडियन वेयर पहनो और बिंदी तो मस्ट है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आप डेली इजीली वेयर कर सकते हो मेकअप। सो लेट मी नो डाउन बिलो आपको ये मेकअप कैसे लगा था।